नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न किसी भी शिक्षक एग्जाम्स हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, उसमें अवश्य ही आता है। और बहुत सी बात हूँ, इस टॉपिक से दो या तीन प्रश्न भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, उसके जो प्रत्यय होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और मैंने लास्ट में आपको एक ट्रिक बताई थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप उसको आसानी से याद कर सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपना कॉपी और पेंसिल ले लीजिए, जो जो मैं आपको बताऊं उसको आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जो बुक में हम पढ़ते हैं तो बुक में हमारे उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती और हमें ये बोरिंग लगता है। लेकिन मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा सिंपल भाषा का यूज किया है, जो भाषा हम यूज करते हैं, यानी कि वो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना, वरना ये आपका टॉपिक छूट जाएगा। और ये मान लीजिए, अगर ये आपका टॉपिक छूट जाता है तो आपका एक प्रश्न आपकी एग्जाम्स में से छूट जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक की, आपका पार्ट टू है। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट वन देख लीजिए, उसमें मैंने जो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है, उसके संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया, कहां के वैज्ञानिक थे, ये सब बातें मैंने उसमें बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं, हम इन अवस्थाओं को अक्सर भूल जाते हैं, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक लिखी है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। आपको ये याद करना है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, इसमें इसकी चारों अवस्थाएं हैं। सबसे पहले वर्ड आता है सबने, सबने में सह वर्ड है, तो आप इसको याद कर लेंगे। पहली जो अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदनात्मक गावक अवस्था, जो आपकी 0 से 2 वर्ष के बीच की होती है। पूरी, पूरी से मतलब पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है। तीसरी मूर्ति, मूर्ति से मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, यानी कि आपकी 7 से 11 वर्ष तक की होगी। आपकी, आपसे आप याद कर लेंगे, जो आ वर्ड है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11 वर्ष से शुरू होती है और वयस्क तक होने तक चलती रहती है। आज की वीडियो में हम इन अलग अलग स्टेज के बारे में, किस भी स्टेज की क्या खास बात है, बच्चा कैसे सीखता है, क्या सीखता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली अवस्था है हमारी संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसके वर्ड से ही पता चल रहा है संवेद, यानी संवेदनाओं के द्वारा बच्चा सीखता है। पेशीय, पेशीय अपनी पेशी, मांसपेशी जो होती है उसकी, उसके द्वारा सीखता है, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं बच्चे की, आंख, नाक, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी सहायता से सीखता है। और पेशी अपने कर्मेंद्रियों की सहायता से, यानी हाथ पैर की सहायता से बच्चा इस अवस्था में सीखता है। ये आपकी 0 से 2 वर्ष की स्टेज होती है। इसकी क्या खास बात होती है, बालक की समस्त क्रियाएं संवेदी अंगों यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती हैं। जितनी भी क्रियाएं करता है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा, छोटा बच्चा होता है, अपनी सारी क्रियाएं उसकी संवेदनाएं ग्रहण करता है, और अपनी संवेदी अंगों से और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो सीखता है, अपने हाथ पैर से ही वो सारा सीखता है। गामक क्रियाओं से हमारा मतलब है शरीर के अंगों द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उन्हें गामक क्रियाएं कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी 5 इंद्रियों के प्रयोग द्वारा विकसित समझ विकसित करता है, 5 इंद्रियों का प्रयोग करेगा और उससे ही उसकी समझ विकसित होगी, जैसे किसी चीज को छुएगा, चखेगा और देखेगा, इन्हें स्कीमा कहते हैं। एक वर्ड आता है आपका स्कीमा, इसके बारे में भी प्रश्न आ जाता है आपका, स्कीमा किसे कहेंगे, यानी कि जो 5 इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रियां, उनके
प्रयोग से ही बच्चे में समझ विकसित होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको जीन प्याजे ने नाम दिया इसकी मां। आपका प्रश्न आ जाता है, बताइए संवेदी पेशी अवस्था की उम्र क्या है, यानी 0 से 2 वर्ष, ये आपका पूछ लेता है। एक प्रश्न आपका यूपी टेट और सीटेट में आ जाता है कि जीन प्याजे ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, हम बता देंगे कि उसने 4 अवस्थाएं बताई, जिसमें पहली अवस्था जो है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है। तो इसमें एक वर्ड स्कीम आया, आप इसको भी नोट डाउन करते रहिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आपको मैं आपको बता दूंगा, आप इसको थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप इसको भूल जाएंगे। और क्या खास बात होती है, इसकी संवेदनाएं जो है ग्रहण करता है बच्चा, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, कर्मेंद्रियों का प्रयोग करता है, और उसमें इसमें खास बात होती है, एक बार आपका प्रश्न आया है कि बताइए वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है, कई बार आपका सीटेट में आ जाता है या यूपी टेट में आ जाता है, इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे में। वस्तु स्थायित्व के गुण से मतलब है कि मान लीजिए आपने बच्चे को एक खिलौना दिखा दिया, बच्चे ने अपनी ज्ञानेंद्रियों की से सीख लिया, देख लिया, समझ विकसित हो गई उसकी कि ये खिलौना है, उसके बाद अगर आप खिलौनों को छुपा देते हैं, यानी किसी तकिए के नीचे छुपा देते हैं या किसी अलमारी में छुपा देते हैं, तो बच्चा उस खिलौने को कोशिश करता है उसको ढूंढने की, और उसको वो ढूंढ लेता है। अगर आप तकिए के नीचे छुपा देते हैं तो बच्चा अपनी कर्मेंद्रियों का यूज करके, हाथ पैर का यूज करके उस खिलौने को ढूंढ लेगा, तो इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। दूसरा, प्रकाश के प्रति बच्चा सचेत होने लगता है, जब भी उसे प्रकाश चमकता है तो वो एकदम से उसकी तरफ को देखता है, इस अवस्था की ये खास बात है। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था आपकी हुई संवेदी पेशी अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। जीन प्याजे ने इस अवस्था को भी 6 उप अवस्थाओं में बांटा, यानी जो 0 से आपकी 2 वर्ष की अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें सबसे पहली अवस्था है सहज क्रियाओं की अवस्था, जो आपकी जन्म से लेकर 30 दिन की अवस्था तक चलती है। सहज क्रियाएं, बच्चा सहज क्रियाएं करता है इस अवस्था में, यानी कि उसे जो भी चीज मिल जाता है उसको वे चूसने लगता है। मान लीजिए उसे जो भी मिल जाता है उसको मुंह में देता है, वो चूसता है, तो इस अवस्था को चूसने की अवस्था भी आप कह सकते हैं। ये पहली अवस्था होती है सहज क्रियाओं की अवस्था, 0 से 30 दिन के अंदर तक ये आपकी अवस्था चलती है। उसके बाद आती है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये आपकी 1 माह से 4 माह तक चलती है। प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 4 माह तक चलती है, इसमें बच्चा वृत्तीय यानी कि अनुकरण करता है, किसी भी चीज को दोहराता है, दोहराने की अवस्था, इस अवस्था को दूसरा नाम दे देंगे दोहराने की अवस्था। उसके बाद आती है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये आपकी 4 माह से 6 माह तक होती है। इस अवस्था में बच्चा स्पर्श करता है या उसे कोई चीज मिल जाती है उसको इधर उधर हाथ पैर से हिलाकर उसको इधर उधर करता है, तो आप गौण क्रियाएं वो करने लगता है। प्राथमिक क्रिया तो दोहराने की अवस्था होती है, गौण क्रियाएं करने लगता है वो 4 से 6 माह के बीच में। उसके बाद आती है चौथी अवस्था गौण इसकी बेटा के समन्वय की अवस्था, ये आपकी 8 से 12 वर्ष की माह तक चलती है, 8 माह से 12 माह तक चलती है। इसमें बच्चा अपने से बड़े, जो उसके बड़े होते हैं उनकी क्रियाओं, जो भी क्रिया करते हैं उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो ये अवस्थाएं आपको याद रखनी है। आपका प्रश्न आ जाता है कि बताइए किस अवस्था में वो अपने बड़ों का अनुकरण करना सीख लेगा, तो वो होती है हमारी गौण इसकी बेटा के समन्वय की अवस्था। उसके बाद पांचवी अवस्था आती है क्षेत्रीय अनिक्रियाओं की अवस्था, यानी 12 माह से ये 18 माह तक आपकी चलती है क्षेत्रीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इसमें वस्तु के गुणों को वो प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखता है, बार बार प्रयत्न करता है, बार बार भूल जाता है, तो इसके द्वारा वो सीखना शुरू कर देता है। और लास्ट की अवस्था होती है मानवीय संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, इसमें 18 माह से 24 माह की बीच में आती है ये मानवीय संयोग द्वारा। इसमें बच्चे को कोई चीज दिखा दी, उसके बाद उसकी अनुपस्थिति में बच्चा जो है उसके अस्तित्व को सीखता है कि हाँ वो चीज है, भले वो उसके सामने नहीं दिख रही, उसके अस्तित्व को समझने लगता है। तो ये हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो आपकी 0 से 2 वर्ष के बीच चलती है।
अब दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी संक्रिया करने से पहले की अवस्था। ये आपकी 2 से 7 वर्ष तक चलती है। आपका प्रश्न आ जाता है कि बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं। ये आपकी 2 से 7 वर्ष के बीच में आती है। इसको जीन प्याजे ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट है आपका पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो 2 से 4 वर्ष के बीच का होता है। मैं आपको जो भी बता रहा हूं आप वीडियो को स्टॉप करके उनको नोट करते रहिए, क्योंकि बुक्स में आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो थोड़ी मुश्किल होती है, आपको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो पहली पूर्व प्रत्यात्मक काल जो आपका 2 से 4 वर्ष के बीच में होता है, इस काल में भाषा का अधिकतम विकास हो जाता है और बच्चा सबसे ज्यादा इस काल में ही भाषा सीखता है, और संकेत और चिन्ह चिंतन का उसका आधार होता है। वो संकेतों को समझता है और चिन्ह को समझता है, ये इसमें आ जाता है। तीसरी सी खास बात क्या होती है, बच्चे में जीववाद का गुण आ जाता है। जीववाद से मतलब बच्चे को कोई भी, बच्चे जो है उसको पता नहीं चलता कि ये निर्जीव है या जीव है सजीव है। उस बच्चे को अगर आप एक गुड़िया दे देंगे तो वो उसको सजीव ही मानकर उसको कपड़े पहनाएगा, या और क्या हो सकता है, मान लीजिए बच्चा रो रहा है, वो बच्चा चल रहा है, उसकी चोट लग गई नीचे से गिरने से, तो कोई उसका मम्मी पापा आएगा, और अगर हम जमीन को भी मारेंगे कि तुमने इस बच्चे को क्यों मारा, क्यों चोट लगाई, तो बच्चा उसे देख के खुश होता है। उसे नहीं पता कि जमीन जीव सजीव है या निर्जीव है, तो इसलिए उसमें जीववाद का इस बार गुण आ जाता है। उसको सजीव निर्जीव में भेद करना नहीं आता। अगर बच्चे को किसी चीज से चोट लगती है, चाहे वो किसी कुर्सी से लग जाए या बैड से लग जाए, उनको बैड को मारना पड़ता है कि बता तुमने क्यों मारा, तो बच्चा उसमें खुश हो जाता है, तो ये गुण उसमें आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अहम केंद्रिता का गुण। बच्चे में अहम केंद्रिता का गुण आ जाता है। बच्चा सोचता है उसके चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही हैं सब उसके इर्द गिर्द ही हैं, सब उसे ही देख रहे हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं को ही देख रहे हैं। इस तरह के गुण को अहम केंद्रिता का गुण कहते हैं। हमारे नियंत्रण दिया जाता है, मान लीजिए हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो हमको लगता है कि हम सब लोग यहाँ पर हमें ही देखते हैं, हम अपने आप को ही देखते रहते हैं कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो इस अवस्था में अहम केंद्रिता का गुण आ जाता है। बच्चा क्यों और कैसे का प्रयत्न करता है, इसके इस तरह के प्रश्न वो करने लगता है। इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहते हैं। आपका प्रश्न आ जाता है बताइए खोज की अवस्था जीन प्याजे ने कौन सी बताई है, खोज की अवस्था किसे कहते हैं। अगर आपका ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो आप उसको देंगे, लेकिन अगर आपको पूर्व प्रत्यात्मक काल दे रखा है तो आप पूर्व प्रत्यात्मक काल को ही खोज की अवस्था कहेंगे, जो आपकी 2 से 4 वर्ष की होती है। ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पहला पार्ट है पूर्व प्रत्यात्मक काल। दूसरा आता है अंतर्दर्शी कार्यात्मक काल, यानी कि जो आपका 4 से 7 वर्ष के बीच में चलता है, अंतर्दर्शी कार्यात्मक काल। इसमें बिना तार्किक चिंतन के मस्तिष्क द्वारा स्वीकार कर लेता है बच्चा, उसे जो भी बात बताई जाती है। मान लीजिए बच्चे को हमने बता दिया 2 + 4 = 6, तो बच्चा बिना किसी चिंतन के इसको याद कर लेगा कि 2 + 4 = 6 होता है, बिना कोई चिंतन के। इस काल में चिंतन का विकास नहीं होता। अपलटावी का गुण आ जाता है, बच्चे में अपलटावी का गुण आ जाता है कि वो अलग पलट की संक्रियाएं जो है उनको नहीं कर पाता। उसे 2 + 4 = 6 अगर बता दिया तो समझ जाएगा, लेकिन अगर हमने उसे 4 + 2 बता देते हैं कि बताइए 4 + 2 कितना होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसे अपलटावी का गुण इसमें पाया जाता है कि वो उसे पलट नहीं पाता, अपलटावी का गुण उसे पाया जाता है। इसके साथ साथ मुद्रा संप्रत्यय, दूरी भार ऊंचाई के संपर्क में किसमें कमी होती है। मुद्रा संपर्क से क्या मतलब है, मुद्रा संपर्क से बच्चे को यह नहीं पता होती कौन सी मुद्रा हमारी बड़ी है और कौन सी मुद्रा छोटी है। अगर बच्चे को एक 10 रुपए का सिक्का दे दिया जाए या 2000 का नोट दे दिया जाए, तो बच्चा 10 रुपए के सिक्के को ज्यादा पसंद करेगा, नोट को इतना पसंद नहीं करेगा। उसको नहीं पता होगा कि 2000 का नोट बड़ा है और ये छोटा है। इसी तरह दूरी का संपर्क की भी इसमें कमी होती है। बच्चे अगर स्कूल जाता है तो उसे लगता है कि स्कूल बहुत दूर है, लेकिन जैसे स्कूल से घर आता है तो उसे लगता है स्कूल घर पास है।
तो उसे दूरी के संपर्कते का पता नहीं होता, भार के संपर्कते का उसे पता नहीं होता। अगर बच्चे को आधा किलो रुई दे दी दिखा दी जाए और आधा किलो का बाट दे दिया, उसे पूछा जाए कौन सा बड़ा है, तो वो रुई को ही बड़ा बताएगा। इसी तरह ऊंचाई के संपर्कते की इसमें कमी होती है। ये आपका पूर्व संक्रियात्मक काल हुआ जो आपका 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। इसमें आपसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 और 4 से 7 आपका जाता है। ए45 का रूप इसमें पाया जाता है, तो पूर्व प्रत्यात्मक काल। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि मूर्त का मतलब जो सामने बच्चे को चमक रहा है, जो प्रत्यक्ष उसे चमक रहा है, वो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में जो ये गुण उसमें नहीं आते वो गुण इसमें आ जाते हैं, यानी कि अपलटावी मुद्रा, पलटावी मुद्रा आदि संपर्कते उसमें आ जाता है, का गुण उसे आ जाता है। उसे मुद्रा का भी पता चल जाता है कि 2000 का नोट बड़ा है, क्योंकि इस अवस्था में वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसे पता चल जाता है कि 2000 के नोट और 10 रुपए के सिक्के में कौन बड़ा है। इसी तरह उसे मुद्रा का पता चल गया, भार का भी पता चल जाता है, वो बता देगा कि एक किलो का बाट है ये आपका ज्यादा भारी है और ये आपका हल्का है। इस तरह के उसमें आ जाता है, वो मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करने लगता है, उसको जो भी सामने वस्तु दिखती है उसके बारे में वो सोचने लगता है, लेकिन अमूर्त के बारे में वो चिंतन अभी नहीं कर पाता। आत्मकेंद्रिता के स्थान पर उसमें सामाजिक कार्यों को वो अधिक महत्व देने लगता है। इस पिछली स्टेज में जो पूर्व की संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें वो आत्मकेंद्रित रहता है, लेकिन इसमें जब वो स्कूल जाने लगता है तो वो बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, सामाजिक कार्यों में उसका ध्यान चला जाता है। संख्याओं का बोध उसे हो जाता है, वो वर्गीकरण कर सकता है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, क्रमानुसार अवस्था का बोध उसमें आ जाता है। वो छोटी से बड़ी वस्तुओं को इस तरह से वो लगाना सीख लेता है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये गुण भी इसके अंदर आ जाता है। गुणा जोड़ भाग को करने लगता है और बालक का जितना भी चिंतन होता है वो उसके तर्क के आधार पर होता है, लेकिन वो सब मूर्त जो उसके सामने चमक रहा है उसको ही वो कर पाता है, इसलिए इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। ये आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था के बीच में होती है। आपका प्रश्न आ जाता है कि बताइए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल क्या है, तो वो 7 से 11 वर्ष होता है। इसमें चिंतन उसका मूर्त होता है, जो भी उसको चमकता है उसके बारे में वो चिंतन करता है। लास्ट आती आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इस बार बच्चा जो उसको सामने नहीं चमक रहा उसके बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देता है, समस्या को समाधान करना शुरू कर देता है। ये आपकी 11 वर्ष से उसके वयस्क होने तक की अवस्था है। इसमें चिंतन अधिक अमूर्त हो जाता है बच्चे का, यानी कि जो उसके सामने वस्तु नहीं है उसके बारे में भी वो चिंतन करना शुरू कर देता है, लचीला हो जाता है, उतार्किक हो जाता है, उसके जो भी प्रश्न होते हैं वे तार्किक होते हैं, वास्तविक अनुभव को काल्पनिक रूप में सोचने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है, घटनाओं की वो परिकल्पनाएं बनाने लगता है, या और उसकी सोच जो है वैज्ञानिक की तरह हो जाते हैं, यानी वो वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखने लगता है, अमूर्त चिंतन द्वारा समस्या समाधान करना वो शुरू कर देता है, यानी उन वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है जो उसको सामने दिखाई नहीं दे रही है, और इसके साथ साथ वो समूह में कार्य करना पसंद करता है, अप्रत्यक्ष वस्तुओं घटनाओं के बारे में तर्क करता है, जो उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी वो तर्क करेगा और उनके बारे में भी सोचेगा, उसे वास्तविक और अवास्तविक, कोई चीज वास्तविक है कोई अवास्तविक, इन सब का भी पता आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में चल जाता है। इस तरह से ये जीन प्याजी ने जो वर्गीकरण किया बच्चों के विकास का, मानसिक विकास का या आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न आपका अवश्य आता है, इसकी ये आपका सेकेंड पार्ट है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट लेंगे, उसमें हम वे प्रश्न लेंगे जो आपके पिछले गत एग्जाम्स में यूपीटेट और सीटेट के एग्जाम्स में इसके जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में आए हैं, हम उन प्रश्नों के बारे में इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो
अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को जो आपकी यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।